अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सियाल शरीफ सरगोधा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ उस्मान सियालवी और आज हम बात करेंगे हजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के एक खास मुरीद चाचा रोशन दीन की। दरवेश पीर सियाल लजपाल आशिक शमसो कमर चाचा रोशन दीन कमरी बताते हैं कि एक मरतबा वो चक झमरा से लंगर शरीफ के माल डंगर पैदल सियाल शरीफ ला रहे थे कि रास्ते में किसी डेरे पर रात को क्याम करना पड़ गया। सख्त सर्दी का मौसम और दिन भर की थकन की वजह से जल्दी आंख लग गई। थोड़ी ही देर बाद मेजबानों ने दरवाजा खटखटाया कि इन्हें खाना खिला दे और फिर दोबारा सो जाए। आंखें मलते हुए आप उठ बैठे। कच्चे से कमरे में दिया जल रहा था और दीवार पर नजर पड़ी तो हजरत सैयदना अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में कोई गुस्ताखी अमेज इबारत तहरीर थी। दिल ही दिल में तय कर लिया कि चूंकि रात पड़ने पर गलत जगह क्याम कर बैठा हूँ, लिहाजा दुश्मनाने सहाबा कराम का दिया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। मेजबानों ने बताया कि आपके जानवरों को चारा डाल दिया है, आप भी गरम गरम खाना खा लें। आपके लिए देसी मुर्गी जीबा की है। पहले खाने की तरफ देखा और फिर इबारत की तरफ और कहा कि मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, लिहाजा आप खाना वापस ले जाएं। कहते हैं कि लंबी और ठंडी रात थी, खाली मैदे नींद कैसे आती। उठा और गुस्ताखी अमेज इबारत फुर्च दी और फिर दोबारा लेट गया। अभी बेचैनी में करवटें बदल रहा था कि जगती आंखों से अपने शेख करीम हजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जियारत हुई। आपने फरमाया कि रोशन दीन परेशान क्यों होते हो, उठो और अपनी भैंस के नीचे कट्टा छोड़ दो और दूध पीकर सो जाओ। उठा और कट्टा खोल दिया और सैर होकर भैंस का दूध पिया। बाद में ख्याल आया कि भैंस तो कई माह से खुश थी और कट्टा भी काफी बड़ा हो चुका था, मगर माँ के नीचे ऐसे भागा जैसे गोया कई दिनों से भूखा हो। भैंस ने भी जल्दी से दूध उतार दिया। ये सब क्या था, खुद सैर होकर पिया और बाकी दोबारा कट्टे को खिला दिया। कहते हैं कि मैं सुबह उठा और फिर ताजा दम सफर शुरू कर दिया। शाम को जब आस्ताना आलिया सियाल शरीफ पहुंचा तो शहर से बाहर ही हजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जियारत और कदम बोसी नसीब हो गई। रात के जियारत के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता था, मगर हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने ये बात फरमाकर बात ही खत्म कर दी कि सफर में रात आ जाए तो ठिकाना देखभाल कर किया करो कि मेजबान कहीं राफजी तो नहीं। मजीद वीडियो के लिए सियाल शरीफ सरगोधा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।